Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. BDS School of Law, Jagriti Vihar mein aaj importance of introducing financial literacy par do divasiya karyashala ka aayojan kiya gaya. कार्यशाला में वित्तीय जोखिमों से बचाव के तरीकों के साथ ही यह भी बताया गया कि किस प्रकार आम आदमी अपनी आमदनी में से बचत कर सकता है. लोगों को बैंक की ऑटो डेबिट सुविधा अपनानी चाहिए. साथ ही एक ही योजना में निवेश करने से बेहतर है कि सरकार की अलग अलग योजनाओं में निवेश किया जाए. देखिए, ये जो प्रोग्राम एक वर्कशॉप के रूप में हम कर रहे हैं, ये दो दिन की वर्कशॉप है. ये दो दिन की वर्कशॉप हमारी BDS लॉ कॉलेज में हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि दो दिन के इस प्रोग्राम में टीचर्स, डायरेक्टर्स और स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से भाग लिया हुआ है. ये हमारा सेकंड डे है आज का. हम ये सीख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. हम ये सीख रहे हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं सिक्योरिटीज मार्केट में. हम ये सीख रहे हैं कि कहीं हमें घाटा तो नहीं हो जाएगा, उससे बचने के तरीके क्या हैं, या फिर मैं गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करूँ. और मैं थैंक्स करना चाहूंगी NISM को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिन्होंने ये पूरा लेआउट डिजाइन किया है, और आदित्य बिरला कैपिटल जिन्होंने इस प्रोग्राम को CSR किया है. तो दो दिन के इस वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को बहुत मजा आ रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. स्पेशली आप पीछे देख सकते हैं, मेरे स्टूडेंट कैप्शंस के साथ खड़े हुए हैं. तो हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको कर रहे हैं, ना कि केवल स्लाइड पढ़ के बता रहे हैं. और मुझे लग रहा है शायद बच्चों को भी समझ में आ रहा है. आप लोग को समझ में आ रहा है? इस बारे में BDS स्कूल ऑफ लॉ के प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने firstbite.tv को यह जानकारी दी. माई सेल्फ डॉक्टर मनोज शर्मा, प्रिंसिपल BDS स्कूल ऑफ लॉ मेरठ. हमारे यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो NIMS के द्वारा आयोजित की जा रही है और इसका CRS किया है आदित्य बिरला कैपिटल ने. और स्मार्ट ट्रेनर जो हैं हमारे यहाँ, मिसेज अर्चना शर्मा जी हैं, जिन्होंने इसको स्टॉक मार्केट के बारे में पूर्ण जानकारी बच्चों को दी है और साथ ही उन्हें यह भी बताया है कि किस तरीके से बाजार में इन्वेस्ट करना है. क्योंकि जब भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसे उस बात की पूर्ण जानकारी नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से ये कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को ये पता चल सके कि मार्केट में शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रकार की कोई भी जो प्रतिभूति हैं उन्हें कैसे लिया जा सकता है और कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहे और उनका पैसा ना डूबे. और इसी के साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें खुद मंच पर बुलाकर वो ट्रेन कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि कैसे जो है मार्केट में कार्य किया जा सकता है. इस खबर में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए firstbite.tv. नमस्कार.